बोलो बागेश्वर धाम की। खैर ये बातें हैं, नियम हम पहले आपको बता दें, दरबार की ओर चलते हैं, समय कम है। आपको लहसुन प्याज बंद रखना है, मांस मदरा बंद रखनी है, जिनका पर्चा बन जाए उन्हें मंगलवार की पेशी करना अति आवश्यक है। बिना पेशी के एसी नहीं मिले, ये ध्यान रखिएगा। पेशी से ही कल्याण होता है, क्योंकि बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान कहा जाता है, मजिस्ट्रेट हनुमान कहा जाता है। ये मैं यहां पर अदालती कार्रवाई है, आज आपकी केस की फाइल बन जाएगी, मंगलवार को हाजिर होना पड़ेगा। हाजिर होंगे, केस की फाइल बनवाएंगे तो फैसला पक्ष में होगा, नहीं तो फैसला विपक्ष में होगा और आपका वारंटी वो गिरफ्तारी वारंट कट जाएगा। तो ध्यान रखना है, नियम बिल्कुल पक्के हैं। कर पाओ ता पर्चा बनवाओ, केवल चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो। असली चमत्कार मानव जीवन है, असली चमत्कार मानव जीवन। और दूसरा चमत्कार है कि जिस धाम पर, जिन गुरु के चरणों में, जिन संत के चरणों में जाने से आपका जीवन बदल जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बाकी बाप को ना हो तो तुम अपने को खुद जानो के किसे पैदा भाई, कौन मताइया है, जो तो तुम खुद जाना। बाकी ऐसा कि लोगों की संतुष्टि दिलाने के लिए जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, आजकल सब पाखंड है, उनके लिए ये बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुतता का विषय है कि कक्का कड़िया बखरी में आ बैठ, ते बता दे को तब जानिए, ते बता दे, कहीं दो चार जन को लिख दे के इन्हें जा दिक्कत है। तो हम जान जन ये हाउ का जो भैया जो है कपोल कल्पना है। तो जो है ये बागेश्वर बालाजी का ऐसा दिव्य दरबार है जहां प्रभु की महिमा का पता चलता, पर कहो कहां लगी करो बड़ाई, उनकी महिमा को कहां तक कहा जाए, जितनी कही जाए उतनी कम है। बागेश्वर बालाजी की अपनी बड़ी महिमा है। 40 साल से तो हमारे दादाजी बैठे रहे, 9 साल से तो ये दास ही बैठा लगातार उनके चरणों की गद्दी पर, सब भक्तों पर कृपा हो रही। और आपसे प्रार्थना है कि जो भी पूछें यहीं पर समझ लें, बाद में कोई बताने वाला नहीं है, ना समझ में आया हो टोक दें, मूर्ख ना बने, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर विश्वास करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या आया, ये तुम्हारे लिए एक अद्भुतता का विषय है, पढ़िए इसके बाद विश्वास करिए, फिर कहिए कि हाँ बात बिल्कुल सही है, ना समझ में आए तो टोकिए, इतने कि बैठ जाओ सब जने, बोलो जय श्री राम। तुम और भी बैठ जाओ कक्का, मैं दिखात रहे होते हूँ, तुम हमें ना देख पाओ, हम तो तुम्हें देख ही ले भी।